प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, अधिशासी निदेशक स्टॉप टीवी डॉक्टर लोशिका, आज के इस समारोह में यहां पर उपस्थित देश और दुनिया के आए हुए सभी डेलीगेट्स और उपस्थित भाइयों बहनों, दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में विख्यात बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस कर्म साधना स्थली काशी में वर्ल्ड टीवी डे के अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर दुनिया से और देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए आप सभी प्रतिनिधियों का भी प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी का, जिन्होंने वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर इस समिट का आयोजन भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी काशी में आयोजित किया है। काशी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कर्म साधना की स्थली है, जहां से देश की संसद में वे स्वयं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज उनके नेतृत्व में भारत जिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, स्टॉप टीवी कैंपेन की जो अधिशासी निदेशक के उद्बोधन में वे बातें बहुत अच्छे ढंग से यहां पर प्रस्तुत भी हुई हैं। यह हम सबका सौभाग्य है कि जब भारत अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया है, तब भारत दुनिया के G20 देशों के समूह की अध्यक्षता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में भारत उसका नेतृत्व कर रहा है। और इस अवसर पर 2018 में जो एक संकल्प पूरी दुनिया को 2030 तक ट्यूबरक्लोसिस मुक्त करने के एक अभियान को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लिया था, उस संकल्प में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त करने के जिस संकल्प को आगे बढ़ाया था, आज हम उसके नजदीक पहुंच चुके हैं। और आज स्टॉप टीवी कैंपेन का जो एक थीम भी दिया गया है, यह वास्तव में उनके उन संकल्पों को ही मजबूती प्रदान करने और उस संकल्पों को ही आगे बढ़ाने का है कि यस वी कैन इन टीवी। और इस थीम को भारत उस थीम के अनुरूप हम ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। भारत की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 21% देश के अंदर ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित कुल रोगियों में से 21% उत्तर प्रदेश में पाए जाते रहे हैं। और मुझे विगत 5 वर्ष के अंदर जो उत्तर प्रदेश ने लक्ष्य प्राप्त किए हैं, इनमें 16,90,000
टीबी रोगियों को पोषण सहायता के माध्यम से अब तक 422 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान डीबीटी के माध्यम से उन सभी रोगियों को उपलब्ध करवाया गया है। निक्षय मित्र योजना के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और प्रदेश की माननीय राज्यपाल की यहां पर नेतृत्व में अब तक 2,25,000 से अधिक टीबी रोगियों को गोद लिया गया, उन्हें पोषण सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिनमें 70% से अधिक रोगी पूरी तरह स्वस्थ होकर के उन्हें उपचार से मुक्त किया जा चुका है, उससे अपने आप को अलग कर चुके हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर में टीबी जांच पर विशेष रूप से ध्यान देने की कार्रवाई भी हो रही है। प्रदेश के अंदर आज जब यहां पर वर्ल्ड टीबी के अवसर पर यह समिट आयोजित की जा रही है, तब आज पूरे प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में 80,000 से अधिक डॉट्स किट वितरण करने की कार्रवाई अलग अलग जनपदों में भी वर्तमान में चल रही है। यह कार्यक्रम युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर चल रहा है। उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पिछले 6 वर्षों के अंदर उन सभी कार्यक्रमों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू किया है, जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी को स्वस्थ रखने और उनके स्वास्थ्य में वे भारत की समृद्धि में अपना योगदान दे सकें। इस दिशा में प्रदेश ने अपनी इस दिशा में बेहतर अभियान प्रारंभ किया है। खासतौर पर संचारी रोग नियंत्रण के लिए चलाए जाने वाले अभियान में जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम को उत्तर प्रदेश ने होने वाली मौत को 96% नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है। केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर के एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 18,73,000 से अधिक गरीब लाभार्थियों को 2,277 करोड़ रुपए से अधिक की निःशुल्क उपचार की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत के अंतर्गत उपलब्ध करवाया गया है। भारत ने कोविड कालखंड के अंदर दुनिया के सामने इन जैसी महामारियों को प्रबंधन का एक मॉडल प्रस्तुत किया और पहली बार हुआ है कि किसी महामारी के आने पर स्वदेशी वैक्सीन भारत के अंदर बने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और प्रत्येक नागरिक के प्रति उनकी संवेदनशीलता को ही प्रदर्शित करने का एक उदाहरण है और उत्तर प्रदेश ने उनके मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में लगभग 40 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में उत्तर प्रदेश के वासियों को उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की। प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के विभिन्न मानकों के अंदर पिछले 9 वर्षों के अंदर किए गए प्रयासों के परिणाम आज आने प्रारंभ हुए हैं और जिसमें मातृ मृत्यु दर जो पहले प्रदेश में 285 प्रति लाख थी, आज वह घटकर के 167 प्रति लाख आज प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है और पिछले 9 वर्षों में शिशु मृत्यु दर को भी जो 57 प्रति हजार थी, आज उसे घटा करके 38 प्रति हजार करने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इन संकल्पों के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ 2025 के आज के वर्ल्ड टीबी डे के इस थीम के साथ, यस वी कैन इन टीबी के संकल्प के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा और हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2025 में भारत टीबी मुक्त होगा, टीबी हारेगा और भारत जीतेगा। और भारत आज G20 समूह की अध्यक्षता कर रहा है और हरेक क्षेत्र में भारत उस सामर्थ्य को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने में समर्थ होगा। आप सब यहां पर आज उपस्थित हुए हैं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए
आप सभी सम्मानित अतिथियों का एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की इस धरती पर बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। राज्य द्वारा राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम एवं